सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अपडेट ज्ञान। सो गाइस, आज का वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपके चैनल पर है स्ट्राइक तो क्या आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन होगा, क्योंकि गाइस अभी जो है स्ट्राइक का दौर चल रहा है। जैसे कि गाइस टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब का कुछ दिन पहले दौर चल रहा था, उसी प्रकार गाइस अभी स्ट्राइक सबके चैनल पर मिल रहे हैं, अभी स्ट्राइक का कुछ दौर ही चल रहा है। सो गाइस, इसी बीच एक क्वेश्चन आया है उठ करके कि कार्तिक भाई, अगर हमारे चैनल पर स्ट्राइक है तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइजेशन ऑन होगा। तो गाइस उसी लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइस कहा जाता है कि स्ट्राइक 3 महीने के बाद अपने आप हट जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक, उसके बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन गाइस दरअसल बात गलत है और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, कॉपीराइट स्ट्राइक जो आपका रहता है चैनल पर, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो उसका कंफर्म नहीं है, बट जो कॉपीराइट स्ट्राइक है उसका गाइस कंफर्म है, क्योंकि मेरा फ्रेंड है जिसका कि एक चैनल है और गाइस उसके चैनल पर ऑलरेडी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके थे, ठीक है। तो उसको मैंने कहा कि भाई अभी करे या नहीं करे, तो उन्होंने कहा कि भाई कर दो अभी, ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑन उसका चैनल का। और गाइस मोनेटाइजेशन मैंने जैसे ही ऑन कर दिया तो गाइस 7 दिन के बाद उसका चैनल हो चुका है मोनेटाइजेशन ऑन। तो गाइस इससे एकदम लाइव प्रूफ में हम लोग को पता चलता है कि हमारा चैनल पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक रहता है फिर भी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग अपना चैनल के लिए कुछ सोच रहे हो कि कॉपीराइट स्ट्राइक ओनली फॉर कॉपीराइट स्ट्राइक, उसका मैं एकदम कंफर्म हूं कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को डोंट वरी, चिंता नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा। गाइस अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक है तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। और गाइस कुछ बंदों का यह भी कहना है कि अगर हम लोग फेसकैम वीडियो नहीं बनाते हैं तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो गाइस अगर आप लोग फेसकैम वीडियो नहीं बनाते हो तो गाइस मान लीजिए कि आप लोग 30-40 वीडियो बना चुके हो, तो एक दो फेसकैम बीच में डालते रहना, क्योंकि इससे कुछ तो नहीं होगा बट थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बिना फेसकैम वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड का चैनल था वो भी स्केच से रिलेटेड था और बिना फेसकैम वीडियो था। तो गाइस वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।